पहला लेक्चर है तो थोड़ी सी कहानी सुनिए, ठीक समझ में? ठीक सुने ध्यान से, सबसे पहले समझो फ्लक्स का मतलब क्या, ठीक है फिर बाकी बातें सब बात करते हैं। ठीक फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, ठीक है समझ में पहना? ठीक समझ में। अब थोड़ा सा तुम्हें एक बात समझो इम्पोर्टेंट, ठीक जैसे मान लो क्या हो कि किसी एरिया में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक समझ में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरीके से है तो मतलब यहाँ कहीं कैसा चार्ज रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, और उधर कहीं कैसा चार्ज रहा होगा नेगेटिव चार्ज, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब तुम खुद ही सोचो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये क्या करेगा? मान लो अगर मैं यहाँ कहीं एक चार्ज रखूँ, से मान लिया मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेंगी? फोर्स लगाएंगी। क्या करेंगी? फोर्स लगाएंगी, क्योंकि ये लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि लगने वाला फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब इस चार्ज की अपने आप में कोई ना कोई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा तुम ये बात फील करो, ठीक है बाकी सब कहानी उतनी से। ठीक अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, ठीक तो इसका मतलब ये है कि इस पर फोर्स भी नहीं लगता, और अगर फोर्स नहीं लगता तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इसके कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अगर मैं दूसरे चार्ज को यहाँ वहाँ दौड़ा हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलने लगेगी ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। ये बात तो क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोल क्या बोल कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं असल में फोर्स के साथ एनर्जी भी पैदा करती है, तो कोई दिक्कत? बिल्कुल लॉजिकली इस बात को फील करना कि ये जो लाइंस हैं, ठीक है ये फोर्स के साथ क्या पैदा कर रही हैं? एनर्जी भी जनरेट कर रही है। अब सोचो तो किसी एरिया में फील्ड लाइंस ज्यादा है, मतलब वहां पे अगर तुम चार्ज को दौड़ाओगे तो उस पर फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा। और अगर उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा तो उसकी एनर्जी में परिवर्तन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उसकी एनर्जी में परिवर्तन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक तो हमें जरूरत पड़ेगी इस बात का अंदाजा लगाने की कि किसी एरिया से सोचो जितनी ज्यादा लाइन्स होंगी, किसी एरिया से जितनी ज्यादा लाइन होंगी, क्या वहां पर एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी उतना ज्यादा होगा? बिल्कुल फ्री करके देखना, ठीक है समझना है। और यही समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कर पाती हैं, यही समझने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लक्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लक्स। ठीक समझ नहीं आया? किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लक्स। ठीक इसको थोड़ा सा और अच्छे से फील करते हैं, रियल जरूरत क्या है। आप जानते हैं लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है, यानी किसने मिलकर के बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, है ना समझ में। अब तुम खुद ही सोचो, मान लो से यहाँ से लाइट जा रही, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो उतर रही है, यहाँ से क्या उतर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में। और लाइट क्या गेन करती है? एनर्जी। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से फ्लो करेगी उसी हिसाब से यहाँ से क्या पास करेगी? एनर्जी। याद है लास्ट क्लास में जब हम वेव्स पढ़ रहे थे प्लस वन में, तो मैंने आपको इंटेंसिटी और फ्लक्स सिखाया था, एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, पढ़ा था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, पूरा फॉर्मूला निकाल के दिखाया था क्लास में, याद करें दबा रखा है। ठीक समझ में बात? ठीक तो वहां पर पहली बार फ्लक्स जैसा एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बात समझ में आई? तो जैसे मान लो मैं बोल दूं कि किसी एरिया से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर गई, ठीक समझ रहे हैं, तो मतलब क्या है कि ये उस एरिया में क्या पैदा कर सकती हैं? एनर्जी पैदा कर सकती है, समझ रहे हैं? और कितनी एनर्जी पैदा हो सकती है, इस बात की स्टडी करने के लिए हमें जरूरत होती है इसकी? फ्लक्स। किसकी जरूरत होती है? फ्लक्स। ठीक समझ रहे हैं? लेकिन इससे पहले हम फ्लक्स पढ़ेंगे, हमको एक नई चीज पढ़नी है, दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर, दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर, समझ में आया? तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे एरिया की, सबसे पहले चर्चा करेंगे एरिया की, ठीक समझ में आएगा? ठीक
तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया पे, ठीक है। तो एरिया पे जो बात करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम एरिया के ऊपर बात करेंगे तो मुझे एक चीज पता चली, सुनना ध्यान से, जितने भी एरिया होते हैं, जितने भी एरिया होते हैं उनको आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में? दो। एक कहलाते हैं हमारे ओपन सरफेस और दूसरे कहलाते हैं हमारे क्लोज सरफेस। एक कहलाते हैं हमारे ओपन सरफेस, दूसरे कहलाते हैं क्लोज सरफेस। जैसे ओपन सरफेस यानी से ये शीट है, क्या है शीट, ये एक तरह का ओपन सरफेस है। शीट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, डिस्क है, ये सारे के सारे कैसे सरफेस हैं? ओपन। लेकिन अगर मैं क्या करूं इससे एक सिलेंडर, अगर उससे क्या करूं ये सिलेंडर बना, ठीक समझ में, ठीक स्ट्रक्चर सिलेंडर बना दूं, स्फीयर बना दूं, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस। क्या हो जाएगा? समझ में? क्लोज मतलब जो बंद, क्लोज मतलब जो बंद, और ओपन मतलब जो खुला हो। समझ में आएगा? क्लोज और ओपन सरफेस समझ में आ रहा है? अरे क्लोज और ओपन सरफेस समझ में आ रहा है? ठीक समझ में। अब सुने, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एरिया वेक्टर, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एरिया वेक्टर के, ठीक समझे ना? हमने एरिया वेक्टर क्या है, जो एरिया वेक्टर है, जो हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक समझ में आ? जो हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक, एक तरह की वेक्टर, एक तरह की क्या है? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, समझ में? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, ठीक समझ में? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, दोनों पे चर्चा कर लेते हैं, क्या मैग्नीट्यूड होता है और क्या डायरेक्शन भी। और आपको थोड़ा सा फील भी कराऊंगा प्लस वन से कि ये एरिया वेक्टर वाली बात आई कहां से, ठीक समझ में? चलो जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क, कैसी थी? सर्कुलर डिस्क, समझ में? ऐसा थी, ठीक समझ में? ठीक, मान लो कि थी ये डिस्क हमारी एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में रखी, और इस डिस्क का रेडियस था आर, इस डिस्क का रेडियस था आर, ठीक समझ में? मेरे को बोला कि बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ठीक। तो सुने, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है समझ में आएगा? एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सरफेस एरिया के बराबर होता है, जो भी ये सरफेस एरिया है एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होता है, यानी कितना इस केस में? पाई आर स्क्वायर, ये दो की बात कर रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, अब बात करते हैं डायरेक्शन, ठीक समझ में आएगा? अच्छा ये कैसा सरफेस है, ओपन है क्लोज है? ओपन। कैसा है? ओपन है। कैसा है? ओपन। पहले हम ओपन सरफेस की बात करते हैं, ठीक। पहले किसके लिए बात करते हैं? ठीक, हमेशा याद रखें किसी ओपन सरफेस के लिए, किसी ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस बनेगा। कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर। अब सुनो ध्यान से, सरफेस से परपेंडिकुलर दो तरह से, देखो एक ये वाला और एक नीचे वाला, कौन सा परपेंडिकुलर देंगे बताओ? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला कितने बोल रहे? ऊपर वाला अंदाजे से एक दो तीन, कितने वाला? नीचे वाला। सही बताऊं कोई भी ले सकते हैं, ठीक है बिल्कुल क्लियरली, ऊपर वाला भी ले सकते हैं और नीचे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार जो मान लेंगे पूरे सवाल में वही माना जाएगा, यानी किसी भी ओपन सरफेस के लिए, किसी भी ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर, मे बी आउटवर्ड मे बी इनवर्ड, आपकी मर्जी है, एक बार जो मान लोगे वही डायरेक्शन मानी जाए, समझ में आएगा? और ना तो मैंने इस केस में अगर ये डायरेक्शन मानी तो ये पॉजिटिव z एक्सिस है, तो इस केस में एरिया वेक्टर निकाल जाएगा पाई आर स्क्वायर, पॉजिटिव z एक्सिस यानी कितना? यानी कितना? ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ये हमारा हो गया क्या? एरिया वेक्टर। किस तरह के सरफेस के लिए? ओपन सरफेस के लिए। किस तरह के सरफेस के लिए? ओपन सरफेस के लिए, ठीक समझ में आएगा? ठीक, अब सवाल ये कि देखो मैं एरिया वेक्टर बोल क्यों रहा हूं, ठीक। आपको याद है मैंने आपको
बताया था जब आप लास्ट ईयर क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, मान लो मैं बोल दूं कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर है बी, ठीक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। समझ में क्या बताएगा मैग्नीट्यूड? बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या बताएगा? बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया। तो देखो जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो इस पैरेललोग्राम का क्या बता देगा? एरिया। ठीक, समझ में बात। और ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही ए क्रॉस इस एरिया का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। वही इस एरिया का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। तो असल में जो एरिया वेक्टर होता है वो असल में दो इंडिविजुअल वेक्टर्स का क्या है? वेक्टर होता है। दो इंडिविजुअल वेक्टर्स का क्या है? वेक्टर होता है। समझ रहे? फॉर एग्जांपल एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड है वेक्टर ए और दूसरा साइड है वेक्टर बी। समझ में? तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी निकाल दो तो यही इस पैरेललोग्राम का क्या मिल जाएगा? एरिया वेक्टर मिल जाएगा। जो नॉन एडिटेबल वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको ये मैथ्स में पढ़ना है सर, ठीक है? समझ में? ठीक, ये बात समझ आ गई आपके? एरिया वेक्टर बात कहाँ से आ रही है? ठीक, समझ में? अब सोचो ध्यान से, इस पैरेललोग्राम के लिए एरिया तुम ए क्रॉस बी से भी निकाल सकते थे और बी क्रॉस ए से भी निकाल सकते थे, ठीक। तो एरिया वेक्टर आप ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं या फिर बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं या फिर B क्रॉस A भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार जो लिख देंगे पूरे सवाल में वही माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये डिस्कशन किसके लिए है? ओपन सर्विस के लिए। किसके लिए है? ओपन सर्विस। कुछ भी नोट डाउन मत करें, मैं सब लिखवाऊंगा। जिस तरीके से लिखवाऊंगा एक शॉर्ट में फ्लो चार्ट बना के लिख लेंगे, मत परेशान। ठीक, समझ में? तो एरिया कितने तरह के? दो तरह के। एक कौन सा? ओपन सरफेस। दूसरा कौन सा? ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड इनवर्ड कुछ भी हो सकती है। एक बार जो मान लेंगे पूरे सवाल में वही डायरेक्शन मानी जाए। समझ में है? अरे समझ में है? नहीं आया? अब बात करते हैं क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए बात करते हैं? क्लोज सरफेस के लिए। थोड़ी बातें हो गया हमारा ओपन, हो गया हमारा क्या? ओपन सरफेस। अब बात कर लेते हैं क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए? क्लोज सरफेस। तो जैसे मान लो क्या हो, जैसे मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, कोई भी एक, मैं कोई भी क्लोज सरफेस ले लूं, एक से मैंने एक स्फीयर, मैंने क्या ले लिया है? स्फीयर। ठीक, समझ में? स्फीयर ले सकता हूँ, कोई क्यूबॉइड ले सकता हूँ, ठीक। पहली बात तो ये समझें, अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है यानी क्लोज्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड। समझ में बात? ओपन सरफेस के लिए आउटवर्ड इनवर्ड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा कैसा लोगे? आउटवर्ड। हमेशा क्या लोगे? आउटवर्ड। अब तुम देखो ध्यान से, सोचो मान लिया एक क्लोज सरफेस है, ठीक, क्यूबॉइड। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसे, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसे, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसे, इधर वाले सरफेस के लिए मेरी तरफ आउटवर्ड, इधर वाले सरफेस के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, ये स्फीयर है और स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर बनाओ, तो इधर के लिए इधर, इधर के लिए इधर, इधर, अरे सिंपल है ना, एक टेंजेंट डाल दूंगा और परपेंडिकुलर खींच लूंगा, इधर के लिए इधर, इधर के लिए इधर, इधर के लिए इधर, इधर के लिए इधर। इस तरीके से हम एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में बना लेते हैं। ठीक, अब जो बोला है लिख लें, अब जो बोला है लिख लें। ठीक, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं एरिया वेक्टर। लिखें एरिया वेक्टर इज अ क्वांटिटी designated for assigning a direction. Area vector is a vector quantity designated for assigning a direction. For assigning a direction to the
सरफेस एरिया, टू द सरफेस एरिया, टू द सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन, ऑफ अ गिवन सरफेस, ऑफ अ गिवन सरफेस, ब्रैकेट में लिखें ओपन और क्लोज्ड, कोई भी हो सकता है। एरिया वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका काम क्या है, किसी भी सरफेस के, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, उस सरफेस के एरिया को क्या देना है, डायरेक्शन, क्या देना है, डायरेक्शन। कितनी बार समझ में आ गई आपके, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो के नीचे लिखें। क्लोज के लिए मैंने आपको क्या बताया है, क्लोज के लिए क्या बताया है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है, ऑलवेज आउटवर्ड। समझ में आई बात, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं।
एग्जांपल में वो स्फेयर और क्यूबॉइड बना ले, एक उसके सभी सरफेस के लिए एरिया बना ले। ठीक, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इस वाले सरफेस के लिए नीचे, इस वाले सरफेस के लिए इधर की तरफ, और पीछे वाले सरफेस के लिए इधर की तरफ। ये डायरेक्शन समझ में आ रही है ना? ये वाला ये जो सरफेस है सामने, इसके लिए ये आउटवर्ड, और जो पीछे इसके सरफेस होगा उसके लिए अंदर की तरफ आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? और ये वाला सरफेस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन ये होगी, और ये वाला जो सरफेस है पीछे की तरफ उसके लिए आउटवर्ड तो इधर होने का ना। ठीक, तो इस वाले सरफेस के लिए मैंने ये क्रॉस बना दिया, इस वाले सरफेस के लिए ये डॉट। आपको याद होगा डॉट डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और क्रॉस बना हुआ है तो इनवर्ड। अगर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोल बेटा, कुछ खयाली आ रहा है दिमाग में? तो तू हरे कपड़े पहन के आ रहा है तो ज़्यादा समझ में आएगा क्लास में, है ना? समझ में आया? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो अब बात करते हैं हम फ्लक्स। अब हम बात करते हैं फ्लक्स। देखो फ्लक्स का मतलब समझो ध्यान से, किसी भी सरफेस एरिया से, किसी भी सरफेस एरिया से कितनी लाइंस निकल रही है, किसी भी सरफेस एरिया से कितनी लाइंस निकल रही है। ठीक है, समझ में आई बात? एक यही क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। ठीक, समझ में? अच्छा, आपको याद है किसी एरिया में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा लाइन बनाते थे, ये क्लियर है ना? यस सर। अब सोचो किसी एरिया से ज्यादा लाइन पास हो रही है, समझ में आएगा? इसका मतलब वहां से फ्लक्स ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा है। भाई ज्यादा लाइन पास हो रही है मतलब क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन इन एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम पढ़ चुके हैं कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कि भाई साहब इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाइन उतनी ज्यादा बनाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो किसी एरिया में ज्यादा लाइन है, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और इसका मतलब ये है कि उस एरिया से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? पास होगी। उस एरिया से क्या होगी? ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी पास होगी। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आएगी? क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है आपके लिए? अब सुनो ध्यान से डिस्कशन को थोड़ा आगे। तो हम कहते हैं कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है यही बताता है उस एरिया में मौजूद फ्लक्स, यही बताता है उस एरिया में मौजूद फ्लक्स। फॉर्मूले वगैरह के बाद में। ठीक, समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला वगैरह बाद में लिखेंगे। The count of electric field lines, मैं count word पे बहुत जोर दे रहा हूँ, ठीक है? The count of electric field lines passing through an area ठीक है is defined as electrostatic flux associated with that area। ठीक, अब एक चीज और समझ लें। जैसे फोर्स एक तरह का जनरल टर्म, फोर्स एक तरह का क्या है? जनरल टर्म। जैसे ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्जेस की वजह से फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेट की वजह से फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स है तो फ्रिक्शन। फोर्स इज अ जनरल टर्म, समझ में? ऐसे ही फील्ड एक जनरल टर्म है। भाई ग्रेविटेशन की वजह से फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्जेस की वजह से फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट की वजह से फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ना? ऐसे ही फ्लक्स भी एक जनरल टर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा ऐसे सोचो,
क्या मैं बोल सकता हूँ किसी एरिया से कितनी लाइट पास हो रही है, किसी एरिया से कितनी लाइट पास हो रही है, ठीक है, समझ में आया। ठीक, ये भी एक तरह का फ्लक्स हुआ, ठीक, तो इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या कहते हैं? जब आप इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक, समझ में आएगा। ठीक, तो फ्लक्स इज अ जनरल, ठीक, कि किसी एरिया से कितना आता है। ठीक, अब तुम लॉजिकली सोचो, जैसे मान लो क्या, सुनो, कि इससे ये एक शीट है, ठीक, और इससे पानी बह रहा है, इससे क्या बह रहा है, पानी। लॉजिकली बात करते हैं, सुनो, जैसे ये आपको इसकी शर्त दी है, आपने सोचो ध्यान से, ठीक, अभी क्या है कि आपको शर्त ज्यादा बड़ी देते हैं नहीं देते, अगर अंदर भी रहा ना लाइट, ये लगाने के पहले, ये लगाने के बाद, है ना। ठीक, अब तुम खुद ही देखो ध्यान से, इसके थ्रू कितनी लाइट पास होगी, मान लो फ्लक्स है, ठीक, समझ में आया। तो ये फ्लक्स देखो किस किस बात पर डिपेंड करेगा, पहला ये एरिया कितना बड़ा या छोटा है, भाई बड़ा कागज होता तो शैडो बड़ी पड़ती, देखो पहला, छोटा है तो शैडो छोटी पड़ रही है, और कागज बड़ा है तो शैडो बड़ी पड़ रही है। ठीक, तो पहली बात ऐसे देखो कि भाई ये मेरा हाथ है, ठीक, समझ में, हाथ छोटा है तो शैडो छोटी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि लाइट कम पड़ रही है, और कागज बड़ा है तो लाइट ज्यादा पास हो रही है, अरे लाइट क्या पास हो रही है, ज्यादा पास हो रही है। ठीक, समझ में आई बात, अरे आया नहीं आया, ठीक, समझ। तो सोचो ध्यान से, फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है तो नीचे ई लिखूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो एम लिखूंगा। ठीक, तो मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स फाई है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो तुम्हें लॉजिकली समझ में आ रहा होगा एरिया कितना बड़ा है छोटा है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, हाँ कि ना, ठीक है, पहला किस पे डिपेंड करेगा, एरिया बड़ा है तो अंदाजे से मुझे लगता है कि फ्लक्स ज्यादा होगा। अच्छा सोचो, इमेजिन करो इस लाइट की जगह कोई मैं मरियल सी लाइट रख देता, मरियल लाइट मतलब है ना जिससे रोशनी कम आए, कोई ऐसे मरियल सी लाइट रख देता, ठीक, तो बताओ शैडो इतनी ही डार्क बनती या हल्की बनती, हल्की बनती, मतलब इससे कम लाइट पास होती है, लाइट कैसी है, मरी, ठीक, समझ में आया। यानी कि सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम। तो दूसरा डिपेंड करेगा कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, कम ज्यादा है क्या है। और तीसरा एक खेल और देखो ध्यान से लॉजिकली, अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूं तो क्या शैडो का साइज बदल रहा है हाथ से, भाई अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करूं, ठीक है, तो क्या शैडो का साइज बदल रहा है, यस सर, शैडो का साइज क्या हो रहा है, चेंज, ठीक है, अभी ये शैडो का साइज ज्यादा है या फिर हाथ का ओरिएंटेशन बदल, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लाइट जो पास हो रही है वो ज्यादा या कम हो, अरे कैसे, जैसे मान लो क्या हो, मंजूर है, ठीक, समझ में, इसको दरवाजे से पास कराना तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन अंदर को सिर्फ लिटा दूँ और फिर दरवाजे से निकालना चाहूँ तो फंस जाएगा, निकलेगा नहीं, जी निकलेगा नहीं, कॉमन सेंस के हिसाब से समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है ना अंशुल, जब क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक, समझ में। तो अंशुल दरवाजे से पास करेगा या नहीं करेगा, ये अंशुल के साइज के हिसाब से इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये जा कैसे रहा है, आसान शब्दों में बोलो तो ओरिएंटेशन कैसा है, आसान शब्दों में बोलो तो क्या कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक, समझ में आई बात, ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन वाला खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा है, ठीक है, समझ में, ठीक, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई साहब तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, पहला भाई सरफेस एरिया का साइज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है कितनी है, और तीसरा, अबे तीसरा ओरिएंटेशन वाली बात समझिए बहुत ध्यान से, इमेजिन करना, मान लो पानी बह रहा है, ध्यान से देखो, मान लो क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक, समझ में आएगा, क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक, समझ में, ठीक, इधर बह रहा है, बिल्कुल लॉजिकली बात है, ठीक, अभी पानी बहुत बहेगा इससे, अगर मैं इसको ऐसे लिटा दूं तो क्या पानी बह पाएगा, पर पानी अगर ऐसा रिएक्शन बह रहा हो, ठीक है, समझ नहीं बात, अगर मैं इसको ऐसे लिटा दूं तो क्या पानी फ्लो करता रहेगा इससे, यस सर, बात है, 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 बात है
रखा है, पानी भी देखा हूँ जी, पानी कपड़े खराब होने के कारण आ अनशुलिंग सरफेस है मान लेते हैं, ठीक। ये क्या है? ये सरफेस है, ठीक। समझ में आएगा? अब जैसे मान लो क्या हो, से इमेजिन करो, से अगर कोई लाइट ये पतला होता शीट जैसा इमेजिन करना इसको, ठीक है, समझ में आएगा शीट जैसा, ठीक, समझ में। या फिर जिससे मान लो इसका मुँह ऐसे खुला होता, इसका मुँह क्या होता खुला, नहीं ना मुझे क्या कोई अपना अलग आ जाए, से जैसे मान लिया से ये ब्रश कर रहा है, ठीक, समझ में आया, ये ब्रश हो गया, से इसका मुँह खुला हुआ है, मुँह खोलना नहीं सही नहीं, ऐसे चला जाता है, ठीक। तो ऐसे मान लो क्या होता है, से अगर ब्रश ऐसे जा ऐसे जाता है तो चला जाता है, लेकिन अगर ऐसे जाए तो है ना, डिपेंड करता है ना ओरिएंटेशन कैसा है, डिपेंड करता है ओरिएंटेशन कैसा है, समझ में बैठा, ठीक। अभी ओरिएंटेशन वाली बात समझ में आ रही है, ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है ना, अब लॉजिकली फील करो। अरे यार सुनो, ध्यान से सुनो, आप चाय वगैरह छानते हैं, ठीक है, प्रॉपरली ऊपर वाले से गिरा हैं आप, ठीक है, ये वो है जिससे आप चाय छानते हैं, चाय छानने वाला इंस्ट्रूमेंट आपका हाँ जो भी है, ठीक है, तो ये चाय छानने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ऐसे चाय गिराएंगे तो चाय इससे पास होगी, लेकिन अगर इसको ऐसे कर दो तो चाय पास नहीं होगी, ऐसे कर दो तो चाय पास नहीं होगी, ठीक है। तो पानी कम है ज़्यादा इसका हाँ, ये ऐसे रखा हुआ है तो पानी पास होगा इससे, ठीक। और अगर बाई चांस देखो ध्यान से समझो इसको, मैं क्वेश्चन कराऊँ तुम्हारे समझ में नहीं आएगा जब पूरा एरिया वेक्टर घुमाऊंगा तो 2D और 3D में, तो ये विजुलाइज करना जरूरी है, अगर ऐसे पानी गिराऊंगा तो पास और नहीं, ठीक। इसी बात को एरिया वेक्टर के टर्म में समझते हैं, सुनना। अब मैथमेटिकली मुझे इस बात को समझना था, तो लॉजिकली अगर मान लिया पानी नीचे जा रहा है तो इसको बोल देते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड। मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन कहाँ मान लेता हूँ? डाउनवर्ड मान लेता। अब लॉजिकली फील करना, एरिया वेक्टर है नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर है नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, पानी पास हुआ नहीं हुआ? अरे पानी पास हुआ नहीं हुआ, हुआ था, सरफेस ऐसे रखा था, एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? नीचे, भाई परपेंडिकुलर टू सरफेस नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में, पानी भयंकर पास हो रहा है, पानी भयंकर पास हो रहा है। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, यानी कि सोचो जब एरिया वेक्टर पैरेलल था किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पानी भयानक तौर पे पास हो रहा था, बी से भयानक, बी से पास, एक समझ में, पानी भयानक तौर पे पास हो रहा था। एरिया वेक्टर ऐसे करते हैं, मतलब एरिया ऐसे करते हैं, अब एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? इधर। एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नीचे। एंगल कितना? 90। एंगल कितना? 90। मैंने ये भी नोटिस करा भाई साहब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके? एरिया वेक्टर के, तो इसमें कुछ जा ही नहीं रहा, इसमें कुछ जा ही नहीं रहा बेचारा, तो इसके दिमाग कुछ ना रहता, ठीक। इधर से फ्लक्स जो फिजिक्स आ रही है और उसका दिमाग एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल, फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है इससे, समझ आ रहा है? ठीक, तो इस केस में पानी पास नहीं हुआ, इस केस में पानी पास नहीं हुआ। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? जब एंगल 0 डिग्री था तो पानी भयानक पास हो रहा था, और जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो पानी क्या हुआ? कम पास हुआ। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि असल में कितना फ्लक्स पास होगा, असल में कितना फ्लक्स पास होगा, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल पर डिपेंड करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। ओरिएंटेशन वाली बात फील हुई आपको? ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इसीलिए हमने एरिया को वेक्टर साइन दिया था, इसीलिए हमने एरिया को क्या दिया था? वेक्टर साइन, जिससे हम अंदाजा लगा सके कि कितना फ्लक्स पास होगा किसी एरिया से, ठीक, समझ गया? ओरिएंटेशन कैसा? तो ओरिएंटेशन से मेरा मतलब क्या है? एंगल बिटवीन,
एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में? अरे ये समझ में ये बहुत फेल हो गई ना, देखिए प्रॉपरली मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि 90 डिग्री के एंगल पे पानी बिल्कुल नहीं पास हो रहा था, और जब 0 डिग्री का एंगल था तो पानी भयानक पास हो रहा था, और अगर कोई जनरल एंगल होता ऐसे थोड़ा टेढ़ा होता तो थोड़ा पास होता थोड़ा नहीं होता, थोड़ा पास होता थोड़ा नहीं होता। तो अगर मैं डिस्कशन को कंक्लूड करूँ, if I'm going to conclude the discussion, then we can easily conclude that area vector depends on three factors. Very first one is magnitude of area, electrostatic flux depends on three factors. पहला magnitude of area, दूसरा amount of electric field intensity, और तीसरा angle between area vector and electric field intensity. देखिए electrostatic flux associated with an area, electrostatic flux associated with an area depends on electrostatic flux associated with an area depends on three factors. ठीक समझ में है? ऐसे लिख लें, फाइव मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। ओरिएंटेशन से हमारा मतलब क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मैं देखता हूँ तुम खुद से फॉर्मूला बता पाते हो, मैं तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। फील बनना है वापस, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर भी नीचे की तरफ, पानी भयंकर पास, पानी भयंकर पास। ठीक समझ में? जब एरिया ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, पानी बिल्कुल भी पास नहीं होगा, पानी बिल्कुल भी पास नहीं होगा। ठीक मेरे बारे में थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना क्योंकि ज्यादातर सर्फेस से ऊपर जाता है। ठीक मैं सिर्फ एरिया वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है समझ में? ठीक समझ में? देखो जब एरिया वेक्टर ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड इस से नीचे, तो इस केस में जरा भी पानी पास नहीं हो रहा, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो पानी भयंकर पास हो रहा था। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ है, और सरफेस ऐसे रखा है, पानी कैसे पास होगा, फ्लक्स क्या होगा, भयानक कम भयानक ज्यादा? बिल्कुल इस केस में ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स भयानक कम भयानक ज्यादा? भयानक ज्यादा। समझ में? एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ऐसे, बताओ भयानक कम भयानक ज्यादा? भयानक कम, जरा भी पास नहीं। मान लिया कोई एंगल, मान लिया कोई एंगल इस तरह, ये है एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम ध्यान दो, एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट नीचे होगा। कौन सा कंपोनेंट फील्ड के लिए जिम्मेदार होगा? ये हॉरिजॉन्टल या ये वर्टिकल? कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स के लिए जिम्मेदार होगा? कौन सा ये वाला? गुड, कौन सा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि मुझे ये भी फील हो गया कि भाई साहब जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट की वजह से है जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, जो एरिया वेक्टर के अलोंग। तो देखना ज्यादा बात है, किसी भी सरफेस एरिया से फ्लक्स, किसी भी सरफेस एरिया से फ्लक्स। अरे क्या ये बात समझ में आ रही है शिखा? और आपको फिर भी समझ में आ रहा है ये वाली बात कि भाई साहब अगर जब एंगल पे था, जब क्या था एंगल पे, तो मुझे कॉमन सेंस समझ रहा है कि जब इधर है तो फ्लक्स नहीं है और जब इधर है तो भयानक फ्लक्स है। तो एंगल पे जब रहेगा तो मुझे फील हो जाएगा कि भाई साहब ये वाला कंपोनेंट फ्लक्स के लिए जिम्मेदार है और ये वाला कंपोनेंट फ्लक्स के लिए जिम्मेदार नहीं।
नहीं है। लॉजिकली समझ में आया है, यानी कि किसी भी सरफेस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स, किसी भी सरफेस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट की वजह से है जो जो क्या है उसके पैरेलल, जो उसके पैरेलल। ठीक, समझ में आई बात? एक यानी कि क्या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ठीक, इज रिस्पांसिबल फॉर, इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स, इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स, इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक बात करो, क्या एक ऐसा मिलता जुलता स्टेटमेंट हमने वर्क में पढ़ा था कि वर्क डन के लिए, ध्यान से देखना बोल्ड में मैं जिस तरीके से पॉइंट कर रहा हूं, वर्क डन के लिए फोर्स का वो कंपोनेंट जिम्मेदार होता है जो डिस्प्लेसमेंट के कहां है, जो पैरेलल है अलोंग, हां कि ना? यस, हां कि ना? तो वर्क डन का फार्मूला क्या था? वेक्टर एफ डॉट एस, दैट इज एफ कॉस थीटा। तो तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का फार्मूला ये कॉस थीटा ई डॉट एस क्या होना चाहिए? राइट, देखो यहां से, यहां पे ई की जगह क्या है एफ और एस की जगह क्या है ए। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं खुद ही कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर वर्क। समझ में आया? ठीक, समझ में? ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लक्स। ठीक, तो जैसे वर्क का फार्मूला था एफ डॉट एस, किस केस में? यूनिफॉर्म फोर्स के केस में। किस केस में? यूनिफॉर्म। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होना चाहिए? वाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, या फिर ई वेक्टर, भाई अगर सरफेस एरिया को एस से लिखते हो तो एस से, और अगर ए से लिखते हो तो एस, ई डॉट। समझ में? किस केस में? यूनिफॉर्म के केस में। अभी छापो नहीं, छापो नहीं। जब नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होता था तो क्या लिखते थे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट में कितना डी आर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए। समझ में आया? अच्छा, ई किसका फंक्शन होता है? लेंथ का। अरे जैसे पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, उसके लिए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए के लैम्डा बाई आर। ठीक, समझ में आया? ठीक, डाइपोल की एक्सेल लाइन के लिए के पी बाई सॉरी टू के पी बाई आर क्यू। यानी ये क्लियर है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का क्या है फंक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन होगा जनरली, है ना? समझ में आया? तो मुझे एरिया वेक्टर को भी डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना पड़े वो हम सवाल लगाते नहीं, देख लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अरे क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो अब फाइनली फॉर्मूला लिख लें। ठीक, समझ में आया? ठीक, फॉर्मूला यही क्यों लिखते हैं फील हो रहा है आपको? यस सर। ठीक है, समझ में? अब ये फॉर्मूला ही क्यों लिखते हैं तुम बहुत ध्यान से देख लो। चलो, मैं अगर आपसे कहूं कि मान लो किसी एरिया में, इधर देखो ध्यान से, ये है हमारा एरिया वेक्टर, मतलब सरफेस ऐसे रखा हो, मतलब सरफेस ऐसे रखा हो, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। ठीक, समझ में आया? तो तुम खुद ही देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? E A cos थीटा। तुम खुद ही सोचो, अगर थीटा 90 होता, अगर थीटा तो फ्लक्स कितना हो जाता? जीरो। क्या हम पहले से जानते थे? आपको कॉपी लेके दिया जाता है शीट से, आप अगर फॉर्मूले के लिए चीज फील कर सकते हैं। समझ में? अब खुद देखना कंपोनेंट वाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, एक ये वाला और एक
ये वाला। अगर तुम इस कंपोनेंट की बात करो तो ये क्या है, e cos थीटा, e cos थीटा, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, समझ में आया? अगर आया नहीं आया कोई दिक्कत किसी तरह की, कोई समझ आ गया प्रॉपरली? ठीक, चलो थोड़ी सी यूनिट की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया वेक्टर की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की और यूनिट होती है ना वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ये मर गया। तो या फिर वोल्ट मीटर, या फिर वोल्ट मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या फिर वोल्ट मीटर एक ही बात है, समझ में आया? या फिर वोल्ट मीटर एक ही बात। ठीक, तो दो यूनिट हो गई फ्लक्स। ठीक है, अरे फ्लक्स समझ में आया? तो फ्लक्स क्या है, जैसे अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला एरिया वेक्टर, मतलब एरिया के नाम में यूज है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तीसरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल से, समझ में? हमने ये भी पढ़ा कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर ई डॉट डी ए, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड हो तो ई डॉट ए और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, समझ में? जो कुछ भी आज पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास में इन्हीं के एप्लीकेशन देखेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड के केस में कुछ सवाल लगाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में कुछ सवाल लगाएंगे, समझ में? पहला लेक्चर था बिल्कुल बेसिक।